तीन कृषि रोड मैप बनने के बाद बिहार में चौथे कृषि रोड मैप की अंतिम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं कृषि मंत्री कुमार सरोजित ने कहा कि आने वाले समयों में बहुत ही जल्द चौथा कृषि रोड मैप भी लागू कर दिया जाएगा। इसी साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले जिस तरह से कई क्षेत्रों के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोले गए हैं, उसी तरह से चाय की खेती के लिए भी अब एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कहा गया था कि अप्रैल में लागू हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या कुछ चर्चाएं आज होगी इसको लेकर? अभी क्या है कि 22-23 की जो हमारी योजनाएं थी, अब चूंकि चौथी कृषि रोड मैप आनी है, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रधान सचिव हैं, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर है ये, और सभी जिले से अधिकारीगण आए हैं, और जो योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल पे कहाँ पे कठिनाई आ रही है और जो टारगेट मिला था वो कितना सफल हुआ, ये सब की समीक्षा होनी है। हम लोग किसान को ही ईश्वर मानते हैं, अन्य लोग कहीं और मानते हैं, लेकिन हम किसान को ईश्वर मानते हैं, और किसान के लिए जो हम काम कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, सब अधिकारीगण हम लोग बैठे हैं और बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे, और जहाँ पे दिक्कतें आई हैं उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुधार करें। और जो चौथी कृषि रोड मैप आनी है, थोड़ी सी विलम्ब हुई है, लेकिन आप सबको पता है कि अगर किसी चीज़ में थोड़ी विलम्ब होती है तो यह समझ लीजिए कि वो धरातल स्तर पे उसकी जो है समीक्षा हो रही है, और जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं सबको हम लोग समझ करके और चौथी कृषि रोड मैप हम लोग ला रहे हैं, और बहुत जल्द आएगा। अब कब आएगा ये बता देंगे तो फिर आप लोगों को मसाला में दिक्कत होगा, तो थोड़ा आप लोगों को भी रहना चाहिए, कब आ रहा है, दो चार बार हो जाए तो, लेकिन जल्दी आएगा। नया क्या कुछ रहेगा सर? बहुत सारे नए चीज़ हैं, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, कॉलेज का भी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ही, साथ साथ में मोटे अनाज का ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, और सबको पता है कि बिहार की जो बनावट है बाढ़ और सुखाड़, उससे भी बड़ी समस्या है जलवायु। तो हम लोगों का प्रयास इस पर रहेगा कि कम पानी में ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, ये सब चीज़ की बहुत गंभीरता से हम लोगों ने देखा है और उसको हम लोग कर रहे हैं। चाय की खेती होती है, लेकिन चाय के किसान से लेकर जो फैक्ट्री बनाने वाले वो परेशान है बिजली को लेकर, और किसानों का कहना है कि मौसम में जिस तरह का बदलाव हो रहा है उत्पादन पे असर पड़ रहा है, सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी। मैं आपको बता दूं कि हम लोग चाय के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बनाएंगे, और चूंकि जलवायु परिवर्तन से तो पूरी दुनिया परेशान है, अब जहाँ तक बिजली का ये सवाल है तो इसकी जानकारी हमें पूरी डीपली नहीं है, लेकिन हम बिजली विभाग के जो MD हैं, CMD, हम सब लोगों से बात करेंगे और उस समस्या को दूर करेंगे। ऐसा अब तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ये ऐसा समस्या लोग कह रहे हैं, अब आपकी बातों में कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बिहार में तो बिजली की कोई दिक्कत है नहीं। समस्या आमदनी दुगुनी हो किसानों की, इस पर विशेष रूप से बिल्कुल बिल्कुल क्या कैसे हो पाएगा? मार्केटिंग का कर रहे हैं ना हम लोग, चौथी कृषि रोड मैप में प्राथमिकता से हम लोगों ने उसको दिया लिया है कि किसानों को जो उपज होती है उसकी उचित दाम कैसे मिले, मखाना का कैसे मिले, चाय पत्ती का कैसे मिले, मोटे अनाज का कैसे मिले। और सबको पता है कि हम लोगों ने जो कृषि का हमारा जो कृषि फार्म था सभी जिले में, हम लोग PPP मोड पे जो है उसको देने जा रहे हैं, इसकी भी एक नई योजना बनी है। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि हम बिहार को सीड हब के रूप में बदल देंगे, और पूरी देश दुनिया बिहार से सीड उत्पादन का खरीद करेगा, ये मैं आपको भरोसा कर खरीद का मौसम अब आने वाला है तो उसको लेकर जो खाद की किल्लत पहले हो जाती थी, अब उसके लिए क्या पहले ही पत्र आप लिखेंगे केंद्र को कि भाई खरीद का मौसम आने नहीं लिखेंगे नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया ये रोज चलता है। हम लोग सही समय पे पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कर देते हैं, डिमांड कर देते हैं कि हमको किस जिले में कितनी रेक की आवश्यकता है, देना नहीं देना तो केंद्र सरकार का मामला है। अब हमको ज़रूरत होता है दिसंबर में, हमको भेजते हैं वो फरवरी में, और उसके बाद फिर लोग पेपर लेकर के दिखाते हैं चेहरा कि हमने तो दे दिया, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि हम जनवरी में दिया, फरवरी में दिया कि दिसंबर में दिया, लेकिन बोलते हैं कि हमने इतना मैट्रिक टन दे दिया। तो उसकी भी समीक्षा है, और
बी राजेंद्र जी हमारे अभी प्रभार में हैं, प्रधान सचिव हैं, और सबको पता है इनके बारे में। और जब ऐसे व्यक्ति आएंगे हमारे डिपार्टमेंट में काम जब करेंगे, तो मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि आने वाला समय में किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी।